कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न आता है, ये हिंदू कौन? माननीय मोहन भागवत जी ने इस विषय को भी स्पष्ट करने की कोशिश अपने उन व्याख्यानों में की है। जो पश्चिमी जगत से जो भिन्न भिन्न प्रकार से रिलीजन्स की परिभाषाएं आई, उसी परिभाषा से और उसी दृष्टिकोण से हम लोग जो हिंदुत्व को देखते हैं तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते। उस परिभाषा से हिंदुत्व को नहीं देखना, हिंदू समाज वैसा है ही नहीं है। हिंदुत्व ये एक रिलीजन नहीं है, ये लीग ऑफ रिलीजन्स है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हजारों रिलीजन, हजारों मत, हजारों पंथ, हजारों संप्रदाय खड़े हो सकते हैं। कोई भी आकर के इस पर खड़ा हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म है। कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये कहना भी कठिन है। ये हिंदुत्व तो उसके शील से, उसके आचार से, उसके विचार से, उसके जीवन की शैली से ये तय होगा। पूजा पद्धति से हिंदुत्व या हिंदू ये तय नहीं होता। और जो हजारों प्रकार की पूजा करने वाले या एक भी प्रकार की पूजा न करने वाले ये हिंदू हो सकते हैं। और जो हिंदुत्व को या हिंदू को जन्म देने वाला कौन है ये कहना कठिन है, नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए हम कहें साइंस का जन्म किसने किया, साइंस किसने पैदा किया, कहना तो कठिन है। साइंस किसने पैदा किया? अरे सबसे पहले कोई व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, कुछ रहे होंगे जिन्हें पहिया का आविष्कार किया, कुछ रहे होंगे जिन्होंने सिद्धांत दिए, मशीनें बनाई। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा, हजारों हजारों लाखों लोगों के कंट्रीब्यूशन से विज्ञान बढ़ा है, विज्ञान एक ऐसा हो गया लाखों लोगों का योगदान है। हिंदुत्व ऐसे ही बढ़ा है, किसी एक व्यक्ति ने हिंदुत्व खड़ा कर दिया ऐसा नहीं है। हजारों हजारों लोगों के निरंतर प्रयत्नों से, उनके कंट्रीब्यूशन से हिंदुत्व खड़ा हुआ है और अभी भी इसमें रास्ता है। इसलिए हिंदुत्व एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है, एक कन्फाइंड तालाब का जल नहीं है। कोई भी आकर के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है, कभी इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए शंकराचार्य आते, कभी इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बुद्ध महावीर अवतरित होते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, कभी रहीम के दोहे भी इसमें योगदान करते, कभी रसखान के पद योगदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो मानवीय दृष्टि से सबके मंगल की कामना करता हुआ कुछ कार्य करता है, वो कहीं न कहीं हिंदुत्व में एक योगदान कर देता है।